आने वाली फिल्म गेस्ट इन लंदन की एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई के एक थिएटर में रखी गई थी। इस मौके पर मौजूद थे फिल्म के एक्टर कार्तिक आर्यन, कृति खरबंदा, परेश रावल। सबसे पहले इन तीनों एक्टर्स ने बताया कि एक गेस्ट यानी अतिथि को कैसा होना चाहिए। मेरे हिसाब से मेहमान मेहमान है अगर 2-3 दिन हो तो, अगर प्रॉपरली बिहेव करते हैं तो, अगर हमको पसंद है तो, वरना वो शैतान है। आई कांट टॉलरेट देम। जो थोड़े बड़े वाले होते हैं ना, बड़े एज इन उम्र में बड़े, मुझे वैसे उनसे शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सबसे पहला सवाल ये होता है, पहले तो वो आपत्ति करेंगे कि आपने क्या कपड़े पहने हो, दी जाजी ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लोथ। सेकंड सवाल जो मुझे हमेशा सताता है, बेटा शादी कब कर रही हो। अरे कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो आप हमेशा, हाँ, उनको रॉयली ट्रीट करते हैं। कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जैसे वो जो ट्रेलर में आपने देखा है, ट्रिमर वाला जो सीक्वेंस है, वो मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ है। Oh, no. वो मेरे एक अंकल हैं, रिश्ता नहीं बताऊंगा लेकिन उन्होंने मेरा, उनके हर जगह से बाल आते हैं, बहुत आते हैं, और उन्होंने मेरा ट्रिमर एक दिन, पता नहीं, वन फाइन डे ही डिसाइडेड कि वो यूज़ कर लेता हूँ, क्या जा रहा है, उसका ट्रिमर मेरा ट्रिमर, उसके बाल मेरे बाल, उन्होंने काट दिए। एंड तो वैसे मेहमान मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे घर पे बार बार आए। और परेश रावल ने यंगस्टर्स के बारे में अपनी राय रखी, क्योंकि क्या होता है कि एक उम्र के बाद, इतना सारा इंडस्ट्री में रहने के बाद में आप थोड़ा इजीली लेते हैं बातों को, चीज़ों को, तो वो जो रस्ट है आपके दिमाग का, जो जंग है, वो निकल जाता है। वो जो यूं समझिए कि लेथार्जी जो है, वो इनकी वजह से निकल जाती है। तो मैं माने सही मायने में शुक्रगुजार हूँ। यूजुअली टैलेंटेड पीपल, तो एक तो ये प्लस साइड है। वहीं कार्तिक आर्यन का कहना था कि इस फिल्म में उनका कोई भी मोनोलॉग नहीं है। वो अलग फिल्म है पंचनामा, और उसमें मोनोलॉग की ज़रूरत थी उस टाइम, एंड वो चीज़ वर्क की उस फिल्म के लिए। बट ये एक अलग फिल्म है, और इसके USP और इसके जो मोमेंट्स हैं वो बहुत अलग है। हर फिल्म में सेम चीज़ नहीं कर सकता हूँ, एंड अदरवाइज आप ही मुझे बोलेंगे यार ये तो हर फिल्म में मोनोलॉग बोल देता है। तो आई थिंक इसका USP बहुत, एक फैमिली एंटरटेनर जो ये फिल्म है उसमें ये ज़रूरत नहीं थी, एंड इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग। So that's the reason. There's no monologue in this film. वही एक्ट्रेस कृति खरबंदा का क्या था कहना, सुन लीजिए। हम कितनी भी कोशिश कर लें, as great an actor as Kartik and I, you know, could be in the future, जो सर का एक्सपीरियंस है वो है, यू कांट चेंज दैट, यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम। ओनली थिंग इज आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, कि मैंने उनके साथ काम करा है। फॉर मी आई हैड वन वेरी इमोशनल मोमेंट। आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग, being a drama queen, watching television, TV serials, movies, name it, and it was there for me. A moment in this film was when my parents came on set. उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं बॉलीवुड की कोई मूवी करूँगी, मूवीज़ करूँगी ऑल टुगेदर। देन आई गॉट इनटू साउथ एंड दे सॉ मी डूइंग अ हिंदी फिल्म, एंड व्हेन दे फाउंड आउट आई एम डूइंग अ फिल्म विद परेश जी, दे फ्लू ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर जस्ट टू गेट अ पिक्चर क्लिक्ड विद हिम। एंड फॉर मी दैट वॉज अ मोमेंट ऑफ प्राइड, बिकॉज उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिन्हें वो बड़े पर्दे पर देखते हैं वो उनसे कभी हाथ मिलाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, उनके साथ फोटो क्लिक करवाएंगे। सो फॉर मी मोर देन एनीथिंग एल्स दैट वाज अ मोमेंट ऑफ प्राइड। वेल, आने वाली 7 जुलाई को फिल्म गेस्ट इन लंदन रिलीज होने वाली है। देखना बेहद खास होगा कि ये फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है।